नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर डे। मैं हूं आपके साथ प्रिया बाजपे। गर्मी का मौसम आ चुका है और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। और सबसे ज्यादा समस्या इस मौसम में महिलाओं को होती है जो घर से बाहर निकलती हैं। कहती हैं कि उनको सनटैन भी हो रहा है, पिंपल्स भी निकल रहे हैं, एक्ने भी हो रहे हैं, ओपन पोर्स भी हो रहे हैं। तो गर्मी में हम क्या करें? अपना खान पान के लिए डॉक्टर कहता है हाइड्रेट रहिए, पर हर वक्त अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आप कितना ही पानी पी लेंगे, कितने फ्रूट्स खा लेंगे, कितनी ही सनस्क्रीन लगा लेंगे कि आपकी स्किन जो है वो पूरी तरीके से बची रहे। इस पर हम सीधे बात करेंगे डॉक्टर सिपिका जायसवाल से, के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और जानेंगे किस तरीके से एक्ने प्रोन स्किन जो है वो गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रखे। अगर आपको पिंपल्स के स्पॉट हो गए हैं, ओपन पोर्स हो गए हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, बहुत तरीके की तमाम तरीके की स्किन में समस्या आ रही है, और स्किन के साथ साथ आपकी अगर पूरी बॉडी में भी ये समस्या आ रही है, दाने निकल रहे हैं, खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो क्या करें? गर्मियों के मौसम में आप क्या टिप्स फॉलो करें, क्या ट्रीटमेंट फॉलो करें, इस पर हम सीधे बात करेंगे डॉक्टर से। डॉक्टर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, ये बताइए एक्ने प्रोन स्किन बेसिकली एक्ने होते कैसे हैं? एक्ने आपको बेसिकली पी एक्नेस बैक्टीरिया से होते हैं, और भी कई बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आपको दाने वगैरह चेहरे पे निकल सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और श्योर करना चाहिए कि वो एक्ने ही है। उसके बाद आपको अपने स्किन केयर के लिए जैसे नॉर्मल वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करिए, माइल्ड क्लींजर यूज़ करिए, या जो भी फेस वॉश आते हैं एक्ने के लिए जैसे सैलिसिलिक एसिड बेस, ग्लाइकोलिक एसिड बेस, ये सब आप यूज़ करोगे तो एक्ने जाने के बाद उसके दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। रात में आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर या लोशन यूज़ कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि रेटिनॉल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बढ़ती एज के साथ एजिंग की बड़ी ज़्यादा समस्या उससे हो जाती है, और सैलिक एसिड आपने बोला, वो लोग भी लोग अगर फेस पे लगाते हैं तो कह रहे हैं स्किन की समस्या हो सकती है, क्या ये मिथ सही है? रेटिनॉल कई लोग ऐसा करते हैं कि दिन भर में 2-3 बार लगाने लगते हैं, या रेगुलर लगाने से इरिटेशन होने लगती है, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। जब आपका डर्मेटोलॉजिस्ट बोले कि आपको रेटिनॉल की आवश्यकता है तभी आप लगाएं, क्योंकि वो विटामिन ए का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, और कई लोगों को उससे स्किन पीलिंग होने लगती है, एपिडर्मल इरिटेशन होने लगता है, तो ये सबके लिए सुटेबल नहीं है। दूसरा आपने जो बोला सैलिसिलिक एसिड, ये मोस्टली लो कंसंट्रेशंस में जैसे 2% कंसंट्रेशन में सबको सूट करता है, तो आई थिंक अगर मुझे पिक करना हो तो सैलिसिलिक एसिड इज़ अ बेटर चॉइस। ट्रीटमेंट क्या क्या करें अगर ओपन पोर्स से बचना है, हमें एक्ने से बचना है, तो हम लोग ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं और वो कितना ज़्यादा सूटेबल है हमारी स्किन के लिए? जैसे ओपन पोर्स को तो आप किसी क्रीम से ख़त्म नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको लेज़र्स, MNRF, पील्स, इन्हीं पे जाना पड़ेगा। हाँ, ये है कि आप अगर बहुत हार्ड अपने फेस वैक्सिंग करवाते हैं उससे आपकी स्किन खींचती है, लूज़ होती है, तो पोर्स और ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं, या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड नहीं होता है, या आप कुछ ऐसा फेस मसाज वगैरह कराते हैं जिससे आपके पोर्स स्ट्रेच हो, तो आपके ओपन पोर्स और ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। पील ऑफ करके भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट होता है, कार्बन पील ऑफ, लेज़र, तो ये सारे ट्रीटमेंट किस तरीके से हमारे स्किन के लिए सूटेबल होते हैं और हमें गर्मी के मौसम में से कैसे कराना चाहिए? बेसिकली तो पहले आपको अपना स्किन केयर रूटीन देखना चाहिए। जैसे नॉर्मल अगर आपको माइल्ड एक्ने निकलने लगा है तो आप उस पर क्लिंडामाइसिन जेल ये सब यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोशंस भी मार्केट में आते हैं जो स्पेसिफिकली एक्ने के लिए बने होते हैं। उसके बाद अगर उससे भी आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में आ सकते हैं, वहाँ आपको लेज़र और पील रिकमेंड किए जाएंगे। पील्स में ब्लैक पील किए जाते हैं और सैलिसिलिक एसिड बेस्ड पील किए जाते हैं, और मिक्स पील भी किए जा सकते हैं। इसके आपको 4-5 सेशंस कराने पड़ेंगे आपके एक्ने के साइज के हिसाब से। और जो आपने पील ऑफ कहा, जो मास्क आते हैं कार्बन के, ये यूज़फुल होते हैं, इससे काफ़ी हद तक आपका जो है साइज डिक्रीज़ हो जाएगा एक्ने का। और जो क्लिनिक्स में हम लोग कार्बन ट्रीटमेंट कराते हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, उसमें लेज़र लाइट से आपका जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो किल होते हैं और स्किन पे धब्बे नहीं रह जाते हैं, एक्ने क्लियर हो जाता है। बेसिकली ये जो एक्ने प्रॉब्लम्स हैं ये ऑयली स्किन या नॉर्मल और ड्राई दोनों स्किन के लिए, तीनों स्किन के लिए होता है? और नॉर्मल में भी हो जाता है, बाकी सबसे ज़्यादा प्रोन ये होता है ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन में। ऑयली स्किन में तो हैवली एक्ने देखने को मिलते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन में भी सेकेंड मोस्ट एक्ने देखने को मिलते हैं। फेस वॉश इसमें डॉक्टर किस तरीके के इस्तेमाल करने चाहिए? क्योंकि फेस वॉश तो तमाम कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, पर कैसे पता चले ये फेस वॉश हमारी स्किन के लिए अच्छा है? आजकल बहुत सारे फेस वॉश आए हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, जैसे आहा और BHA बेस जो क्लेंजर्स होते हैं, उसके साथ एलोवेरा जेल वगैरह मिक्स रहता है, तो उससे आपकी स्किन जो है ड्राई भी नहीं होती, इरिटेटेड भी नहीं होती और एक्ने भी ख़त्म हो जाता है। तो या तो आप उस तरीके का फेस वॉश यूज़ करिए, या फिर एकदम माइल्ड जैसे सेटाफिल वगैरह आता है वैसे आप क्लेंजर्स यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में तो वैसे ही आप सिलिकॉन या ऑयल बेस अवॉइड करते हो,
तो वाटर बेस्ड सनस्क्रीन आपको यूज़ करना चाहिए, SPF 50 से 80 के बीच यूज़ करिए, जिसको आप चाहिए तो रिपीट कर सकिए दिन या शाम में एक बार। तो ऐसे सनस्क्रीन आप ज़रूर यूज़ करें। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सिपिका जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर बोला अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहते हैं, खान पान के साथ आपको क्लिंजर इस्तेमाल करना ही है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि वो डर्मोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब्ड ही हो, और साथ ही साथ हार्श स्किन प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो क्लिनिक पर आकर भी अपने ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसी बने रही है एमएस टुडे के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ, मैं प्रिया बाजपेयी, एमएस टुडे लखनऊ।